रामचरित सुनने के हनुमान जी रसिया बने, उसका परिणाम क्या हुआ? बोले राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण सीता उनके हृदय में जाकर के बस गए। और हनुमान जी महाराज तो भगवान की कथा के लिए भगवान को भी छोड़ देने को तैयार। जब संपूर्ण अयोध्या को लेकर के भगवान वैकुंठ जाने को तैयार हुए, श्री रामावतार में लीला पूर्ण हो गई, तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान अब तैयारी करो। तो क्या तैयारी करना? बोले अब चलना है। तो कहाँ चलेंगे? बोले वैकुंठ चलेंगे, यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब चले वैकुंठ चल करके वहां आनंद करते। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ तो चलेंगे, लेकिन एक बात मुझे पूछनी थी। भगवान ने कहा, क्या? हनुमान जी ने कहा कि वैकुंठ में कथा की टाइमिंग क्या होती है, कई बजे से कथा होती है, ये बताओ। भगवान ने कहा, वैकुंठ में कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो हम होते हैं। वैकुंठ में जब हम हैं तो फिर कथा की क्या जरूरत, हम तो होते हैं वहां पे। तो हनुमान जी ने कहा, वहां आप होते हो, आपकी कथा नहीं होती? बोले नहीं। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे तो अयोध्या में ही रहने दो, आप जाओ वैकुंठ, हाँ हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, मेरी कथा से इतना प्रेम, मेरी कथा के लिए आप मुझे छोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, प्रेम तो आपसे भी है मुझे, हम तो दोनों को चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, आपकी कथा को भी चाहते हैं। बोले तो तुम तो मुझे छोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा, मैं आपको छोड़ नहीं रहा हूं, वैकुंठ में आप रहते हो लेकिन आपकी कथा नहीं होती। आप जहां रहो वहां आपकी कथा हो जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा हो वहां आप जरूर रहते हो। इसलिए आपकी कथा रहेगी तो आप भी रहोगे, और केवल आप रहोगे, आपकी कथा नहीं रहेगी तो आनंद नहीं। भगवान ने कहा, क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि आपने ही तो कहा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तृष्ठामि नारदो, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। तो जहां कथा होती है वहां भगवान होते हैं, लेकिन जहां भगवान हो वहां कथा हो कोई जरूरी नहीं। आप कहोगे ऐसा कैसे, बात तो एक ही हो गई, चाहे इधर से घुमा के कहो चाहे उधर से घुमा के कहो, जहां भगवान हो वहां भगवान की कथा हो जरूरी नहीं, लेकिन जहां भगवान की कथा हो वहां भगवान जरूर रहते हैं। बोले हां। कैसे? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है, जहां धुआं होगा वहां अग्नि जरूर होगी, लेकिन जहां अग्नि हो वहां धुआं का होना जरूरी नहीं होगा। अग्नि तो गैस के चूल्हे में भी होती है लेकिन उसमें धुआं नहीं होता। अग्नि तो इस बल्ब में भी है, अग्नि न होती तो प्रकाश कहां से होता, लेकिन धुआं नहीं है। तो जहां अग्नि हो वहां धुआं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जहां धुआं रहेगा वहां वहां अग्नि जरूर रहेगी, यह सिद्धांत है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि ही, इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। उसी प्रकार से जहां जहां भगवान की कथा होगी तहां तहां भगवान जरूर रहेंगे, लेकिन जहां जहां भगवान रहे वहां भगवान की कथा रहे कोई जरूरी नहीं। इसलिए भगवान श्री हनुमान जी ने कहा कि आप तो जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं अयोध्या में रहेंगे। तो भगवान ने कहा, कब तक रहोगे यहां? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु इस पृथ्वी पर जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला रहेगा तब तक मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा, वैकुंठ नहीं आऊंगा। ये हनुमान जी ने कहा भगवान से कि एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला अगर है तब तक मैं इसी धरामंडल पर रह करके आपकी कथा श्रवण करूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नवतराक्षसांतकम। भगवान की कथा सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए, और आज भी हनुमान जी महाराज धरामंडल पर ही विराजमान, आज भी। और हमारी अयोध्या में तो मान्यता है, राम जी के जाने के बाद अयोध्या का राजा कौन? बोले हनुमान जी महाराज। आज भी अयोध्या की गद्दी तो हनुमान जी के हाथ में ही है, चौकी हनुमत धीर। आज भी अयोध्या की चौकी तो हनुमान जी के हाथ में ही।
राजा तो हनुमान जी हैं, इसीलिए हमारे अयोध्या में हनुमान जी की गढ़ी है, बहुत बड़ा किला है हनुमान जी का। और अयोध्या में यही मान्यता है कि हमारे राम जी जब पधारे निज धाम तो अयोध्या की गद्दी हनुमान जी को सौंप करके गए, अब तुम संभालो और तुम्हारा एक काम होगा जो मेरे भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं। अयोध्या तो महाराज अद्भुत, धन्य है अयोध्या वो भूमि जिस भूमि पर भगवान श्री हरि ने 11,000 वर्ष तक रह करके लीला की। 11,000 वर्ष कम नहीं होता, बाकी भगवान के जितने अवतार हैं वो बहुत कम समय के लिए हुए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार 125 वर्ष, बस 125 वर्ष में वृंदावन, मथुरा, द्वारिका, चित्रकूट, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये सब 125 वर्ष में। बाकी जितने अवतार हुए, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, बोले उस प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा, प्रहलाद के ऊपर कृपा की और अंतर्ध्यान, सब अवतार ऐसे। लेकिन श्री रामावतार 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान ने प्रजा का पालन किया। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपाशित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। वो अयोध्या की पावन भूमि, और आज भी अयोध्या की अद्भुत महिमा है कि जिस दिन राम जी का जन्म होता है अयोध्या में, जन्म महोत्सव चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी, उस दिन ये मान्यता है और शास्त्रों का वचन है कि ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ उस दिन अयोध्या में रहते हैं। राम जन्म के दिन जो व्यक्ति सरयू जी में स्नान कर ले उसको 68 करोड़ तीर्थ में जाने का फल केवल अयोध्या में ही मिल जाता है। यही दिन राम जन्म सूति लावई तीर्थ सकल तहां चलिया वही, यही दिन राम जन्म सूति लावई तीर्थ सकल तहां चलिया वही तीर्थ सकल।